एक प्यार का नगमा है। रानू मंडल आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। एक वायरल वीडियो ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। कभी रेलवे स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करने वाली रानू आज किसी सितारे से कम नहीं। रानू अपने गाने से न सिर्फ फेमस हुई बल्कि उन्हें हिमेश रेशमिया ने अपने आने वाली फिल्म हैप्पी हाल्डी और हीर में एक गाना गाने तक का मौका दे दिया। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर फेमस हुई रानू को हाल ही में हिमेश रेशमिया ने मौका दिया और अपने स्टूडियो में गाना भी गवाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि रानू रेलवे स्टेशन पर ही क्यों गाना गाती थी? रानू हाल ही में सोनी टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर पर खास मेहमान बनकर पहुंची। शो के होस्ट जय भानुशाली ने रानू से पूछा कि आप रेलवे स्टेशन पर इस तरह गाना क्यों गाती थी? रानू ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन पर इसलिए गाती थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था और गाना गाकर ही मैं अपना पेट भरती थी। वहाँ कोई मुझे बिस्किट दे जाता था तो कोई पैसा। रानू की इस कहानी को सुन वहाँ मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए। वहाँ मौजूद जज उनसे गाना गाने की मिन्नत करने लगे। रानू के सिंगिंग टैलेंट के चलते उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गया है। उनका मेकओवर हो गया है और आज उन्हें उनकी बेटी भी मिल गई है। रानू मंडल और उनकी बेटी पिछले 10 सालों से संपर्क में नहीं थे, लेकिन रानू के इस वायरल वीडियो ने माँ बेटी को साथ ला दिया। एक दशक के बाद रानू की बेटी ने घर पर आकर उनसे मुलाकात की। इस पर रानू ने कहा कि ये मेरी दूसरी जिंदगी है और इसे मैं बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस शख्स की वजह से रानू रातों रात सुपरस्टार बनी। जी हां, रानू की कामयाबी के पीछे एतेंद्र चक्रवर्ती का हाथ है, जिन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उसे डाला और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल हो गया। एतेंद्र ही हर जगह पर रानू को लेकर जाते हैं और साई की तरह उनके साथ रहते हैं। रानू का सिंगिंग वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें भले ही हिमेश ने मौका दिया, लेकिन इसके पीछे सलमान खान के परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में हिमेश रेशमिया ने खुद इसका खुलासा किया था। हिमेश ने कहा कि सलमान भाई के पिता सलीम अंकल ने मुझे एक बार सलाह दी थी, जब भी तुम जिंदगी में किसी टैलेंटेड इंसान से टकराओ तो उसे कभी जाने मत दो। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि उस इंसान को अपने टैलेंट के बलबूते आगे बढ़ने में मदद करो। सलीम खान की नसीहत की वजह से ही रानू को हैप्पी हार्डी और हीर में गाना गाने का मौका मिला। आपको बता दें, रानू मंडल पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर की रहने वाली हैं। रानू का लालन पालन उनकी चाची ने किया है। रानू ने कम उम्र में ही मां को खो दिया था। रानू का वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं गुजरा था। उनके पति की मौत के बाद उनके पास जीवन यापन करने का कोई और रास्ता ना बचा, इसलिए वो अपना गुजारा रानाघाट रेलवे स्टेशन और लोकल ट्रेन में गाना गाकर करने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत पलटते देर नहीं लगती। लाख मुसीबतों को सहने के बाद रानू की भी किस्मत पलटी और आज वो उस मुकाम पर पहुंच गए जिसकी कल्पना उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। अमर उजाला.com